हेलो एवरीवन आई होप यू आर डूइंग वेल आज हम लोग सी के कुछ लैंडमार्क केसेस डिस्कस करेंगे जो आपके प्री के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका सी का वो है सलीम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए 2005 का ये केस है ये केस और भी जगह भी हम देखेंगे अभी फिलहाल ये जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड इसके बारे में बताया गया ठीक so है सो द प्रियम्बल ऑफ द कोड स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड इज टू फोल्ड जो प्रियम्बल है सी सी का वो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है कोड का वो टू फोल्ड है पहला क्या है टू कॉन्सुलडेट कॉन्सलिडेट का मतलब है कि कई सारे ऐसे सिविल लॉज अलग अलग थे सिविल एक्ट्स uh, अलग अलग थे उनको सबको एड uh, कर दिया है मतलब एक कोड बना दिया है एंड टू एमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर और uh, जो प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ हैं जो कि सिविल कोर्ट्स में फॉलो किए जा रहे हैं उसको अमेंड करना ये ऑब्जेक्ट है इस कोड का इट इज़ अ प्रोसीजर डिजाइन टू फेसिलिटेट जस्टिस एंड फर्दर इट्स एंड पीनल अनैक्टमेंट फॉर पनिशमेंट एंड पेनल्टीज तो ये एक प्रोसीजर है जिससे जो जस्टिस को फेसिलिटेट कर रहा है और ये कोई पीरल एनेक्टमेंट नहीं है यानी कि इसमें कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दे रखी है ठीक है तो बस इतनी सी बात इस, इस केस में कही गई है देन वेस्टर्नली डिघर वर्सेज सेकेल ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है लेकिन तो, उसमें छोटी सी बात लिखी हुई है कि इन द एरिया टू विच द कोड डज नॉट एक्सटेंड कोर्ट इन सच एरिया शेल बी गाइडेड बाई द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट तो जहां पर ये कोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा है वहां पर मतलब एक गाइड एक की तरह सी पी सी वर्क करेगा ठीक है मनोहर लाल वर्सेस सेठ ही लाल अब ये चीज ये वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ए आई आर नाइनटीन सिक्सटी टू का ये इट से मैटर्स स्पेसिफिकली डेल्टेट कोर्ट जो है अपने आप में एग्जॉस्टिव है यानी कि संपूर्ण है जो भी मैटर्स इसमें डील किए जा रहे हैं

इनकेपेबल हो गई वो चीज नहीं कर पाई है विद रिगार्ड टू द कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर और इसी वजह से जो है कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दे रखी है सेक्शन वन फिफ्टी वन सी पी सी में टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिटिस जो भी उन्हें सही लग रहा है कोर्ट के पास जो कोर्ट को जो भी सही लग रहा है वो वैसा कर सकती है किस लेकिन वो इन अकॉर्डिंग होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की इक्विटी गुड कॉन्साइज ठीक है सेव्ड अंडर सेक्शन 151. तो ये चीज आपको याद रखनी है अब कुछ डिग्री से रिलेटेड केसेस हैं जो आपको पता ही पता होना चाहिए एक तो सबसे पहला केस है हमारा आ, शंकर वर्सेस चंद्रकांत अब देखो इसमें क्या बताया प्रिलिमिनरी डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है प्रिलिमिनरी डिग्री इज वन विच डिक्लेयर द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज लीव द एक्चुअल रिजल्ट टू बी वर्क आउट इन द फर्दर प्रोसीडिंग प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है राइट्स और लाइबिलिटीज तो डिक्लेयर कर रही है पार्टीज की जो एक्चुअल रिजल्ट है यानी कि जो आपकी फाइनल डिक्री है उसको छोड़ दिया है बात के लिए अपना जो वर्कआउट जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स वर्कआउट करेंगे उस हिसाब से लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिग्री अलग अलग होती है क्या कि मतलब प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी uh, में कुछ और आया है और फाइनल में कुछ आया और आया है तो ऐसा नहीं होता जो आपकी फाइनल डिग्री है वो हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री का बेस होती है या मैंने उल्टा बोल दिया है मतलब बेस्ड होती है किस पे आपकी फाइनल डिग्री बेस्ड होगी हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री पे ये चीज ध्यान रखना एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्दर टू प्रिलिमिनरी डिग्री राइट्स ऑफ फुल्ली डिटरमाइंड एंड फाइनल डिग्री इज पास जो प्रिलिमिनरी डिग्री आई है उसमें और फाइनल डिग्री में क्या है फाइनल डिग्री uh,

धनी राम वर्सेज लाला श्री राम ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो और डिग्री होल्डर नीड नॉट नेसेसरी बी प्लेन्टिव भाई ये तो मतलब एक लॉजिकल बात है कि जो डिग्री होल्डर है जरूरी थोड़ी कि वो प्लेन्टिव ही डिग्री होल्डर हो डिफेंडेंट भी तो हो सकता है अ पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू द सूट बट इन हूज फेवर एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड इज ऑल्सो अ डिग्री होल्डर जिस पर्स जो पार्टी सूट की पार्टी नहीं है जिसके फेवर में कोई एक ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन किया गया है वो भी डिग्री होल्डर कहलाएगा ये इस केस में कहा गया था ठीक है रेणु देवी वर्सेस महेंद्र सिंह के केस में क्या बताया गया था द डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री लाइज इन इट्स अ प्रिलिमिनरी डिग्री डिक्लेयर द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज एंड लीव द एक्चुअल रिजल्ट टू बी वर्कड आउट फॉर अ लेटर स्टेज प्रिलिमिनरी डिग्री क्या कर रही है राइट्स राइट्स ऑफ एंड द पार्टीज को तो कर रही है और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसको आगे के वर्किंग के लिए छोड़ दे रहे हैं कि आगे हो, जो होगा देखा जाएगा फाइनल डिग्री डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द डिग्री फाइनली

ये वाला केस खास करके पूछा जाता है क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है इसमें सूट को डिफाइन तो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अट्री सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि वो है जो कि प्लेंट का प्रेजेंटेशन किया प्लेनिफ ने उसी दिन से हम मानेंगे कि सिविल प्रोसीडिंग आपकी शुरू हो गई है ठीक है तो ये चीज है इसमें तो ये आपको याद रखना है केस ये वाला इम्पोर्टेंट आगे बढ़ते हैं फिर हम ये वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान यानि या या, 1954 का केस है decree decree ये डिफेक्ट ऑफ जूरिस्डिक्शन गोज टू द रूट ऑफ द डिग्री और डिग्री पास इज अ नलिटी अगर विदाउट जूरिस्डिक्शन डिग्री पास करेगा वो नलिटी है ठीक है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ डिक्री पास विदाउट इज अ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्ट्रिक्शन स्ट्राइक एट द वेरी अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट अगर डिफेक्ट ऑफ जोरिस्ट्रिक्शन कहा जा रहा है तो वो आ, किसको स्ट्राइक कर, तो कर रहा है कोर्ट के अथॉरिटी को तो स्ट्राइक कर रहा है एंड इट कैन नॉट बी क्योर्ड इवन बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज भाई भले कंसेंट था पार्टीज का कि हाँ पार्टी ने कंसेंट दे दिया कि कोर्ट का जुरिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर भी आप ही हमें डिग्री पास करके दीजिए ऐसा थोड़ी होता है अगर विदाउट जो रिज्रिक्शन पास किया है तो नलेटी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको इस चीज से कवर नहीं कर सकते या क्योर नहीं कर सकते कि कंसेंट थी पार्टी की तो इस वजह से जो है डिग्री पास कर दी गई है विदाउट जू रिज्रक्शन वाले कोर्ट ने भी ठीक है धूलाबाई वर्सेज स्टेट ऑफ एम पी एंड नाइनटीन सिक्सटी एंड कमला मिल्स वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे में दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है ये भी केस इंपॉर्टेंट है ये वाला भी और ये वाला भी एवरी प्रिजम्पन इज मेड इन फेवर ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट

प्रजपन जो है वो फेवर ऑफ जूरिजिक्शन में ही होगा ठीक है जो प्रिजम्पन लिया जाता है इनके फेवर में ही लिया जाता है देन शशि प्रकाश खेम का थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज इज डेड वर्स एज एनी नाउ कॉल्ड एनी इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट दूरिजिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज कंप्लीटली बार्ड मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पावर हैज बिन कन्फर्ड ऑन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखना चाहो एक बार देख लेना शिव कुमार वर्सेज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस इम्पॉर्टेंट है और लाइबिलिटीज जब स्टेटरी एनेक्टमेंट है वो सिर्फ राइट और लाइबिलिटी ही क्रिएट कर रहे हैं मतलब सिर्फ राइट और लाइबिलिटी ही बता रहे हैं पार्टीज की विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर रेमिडीज रेमिडी नहीं बताया सिर्फ आपने राइट और लाइबिलिटी बता दिया कि ये इसका राइट right है वो उसकी लाइबिलिटी है एनी पर्सन है अगर किसी पर्सन को कोई दिक्कत है कोई ग्रीवियंस है कैन अप्रोच द ऑर्डनरी सिविल कोर्ट तो वो ऑर्डनरी सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ लॉ मतलब लॉ के सिद्धांत पर राइट देर इज अ रेमेडीबी वेर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है आगे बढ़ेंगे हम लोग शिव कुमार वर्सेज केस इंपॉर्टेंट है अब ये दुर्गेश शर्मा वाला भी केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वर्सेज जयश्री जो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्री के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा मेंस के लिए तो लगभग सब थोड़ा बहुत देख लें क्योंकि उसमें आपको लिखना होगा यहाँ पे तो अगर आपको केस का नाम पता है क्या लैंडमार्क चीज हेल्ड हुई है वो पता है तो दैट इज मोर देन इनफ द पावर अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर डज नॉट ऑथराइज अ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर एनी सूट अपील एक्सेट्रा फ्रॉम अ कोर्ट टू सब फ्रॉम अ कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट टू अ कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट कोर्ट ठीक है अरवी इंडस्ट्रीज रतन लाल मस्ट बी एक्सरसाइज विद एक्सट्रीम कॉशन एंड सरकम इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक्सट्रीम कॉशन से जो है ये जो हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर किया जाएंगे केसेस ट्रांसफर करे जा रहे हैं इसको एक्सट्रीम कॉशन से आपको देखना है ठीक है द कोर्ट वैल डिसाइडिंग द क्वेश्चन मस्ट बियर इन

वो अप्लाई कर रहा है ट्रायल ऑफ बताया है और ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट को प्रिक्लूड कर दिया गया है कि वो इंटरिम ऑर्डर्स भी नहीं पास कर सकती कोर्ट इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकती है जैसे ग्रांट ऑफ इंजंक्शन का या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का राधा देवी वर्सेस दीप नारायण केस में कहा गया द्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन टेन इज वेदर द डिसीजन

तो ये सारी चीजें पता है इसमें कुछ ऐसा बताने वाला या समझाने वाला नहीं है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम एच एन एन एस सेक्शन टेन इज आइडेंटिटी ऑफ द मैटर इन इशू इन बोथ द बोध होल सब्जेक्ट मैटर इन बोथ द बोध शुड बी आइडेंटिकल जो होल सब्जेक्ट मैटर है जैसे मान लो इस घर पे अगर विवाद छिड़ा था तो ये घर एक सब्जेक्ट मैटर हो गया तो ये फॉर्मर सूट में भी यही घर होना चाहिए और ये सब्सिक्वेंट सूट में भी यही घर होना चाहिए

रेस काटा का, का ये केस है सत्यादन घोषाल वर्स देवर देवी टू द जुडिशल फाइल अगर हम ये कह दें कि ठीक है एक बार जजमेंट आ गया कोर्ट का उसके बाद दोबारा से आप उसी सब्जेक्ट uh, मैटर पे सेम पार्टी दोबारा से केस फाइल कर सकती है तो ऐसा नहीं होता है इस वजह से रेस जो को कहा जा रहा है की फाइनल अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो कभी भी प्रोसीडिंग एंड होंगी नहीं एक फाइनलिटी लाने के लिए एक फाइनल चीज करने के लिए Conclusive determination करने के लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए कि एक बार केस कोई खत्म हो गया उसके बाद दोबारा से आप उसी केस को जो है लेकर के आ रहे हो प्राइमरली इट applies बिटवीन पास लिटिगेशन एंड फ्यूचर लिटिगेशन तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए देन ये वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वर्कमैन वर्सेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज cochin port पोर्ट ट्रस्ट ट्रस्ट वेयर एनी मैटर विच ऑट

इसीलिए कह रहे हैं कि उस मैटर को कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिवली इन इशू माना जाएगा मल्टीप मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करने के लिए ठीक है देन दरियाओ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी ये भी केस इंपॉर्टेंट है कहता है डॉक्टर

कब कहा जाएगा? सुरोचना अम्मा वर्सेज नारायण नायर का भी और ये पांडुरंग वर्सेज शांताबाई का भी देखो इसमें क्या कहा गया रूल ऑफ रेज्यू डीटा वु अपलाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग विदिल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन टैक्सेशन एक्सेप्टिम

डिग्री इज पासेंट कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कह रहा है कि एक जहां पर किसी रिलीफ को क्लेम नहीं किया गया अच नो रिलीफ इज क्लेम्ड जहां पर कोई रिलीफ नहीं क्लेम कर, करी गई उसको हम डायरेक्टली और इन इशू नहीं कहेंगे भाई सेक्शन टेन और सेक्शन इलेवन में आप यही तो पढ़ते हैं यही तो लैंग्वेज है ना बेट की डायरेक्टली एंड सब्सटैशली इशू अगर कोई रिलीफ ही नहीं क्लेम करी गई है तो हम नहीं कहेंगे कि मैटर डायरेक्टली एंड सबस्टेंशली इशू है भले ही डिग्री पास कर दी गई है कॉम्पिटेंट कोर्ट में तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है इसीलिए बात यहां पर बोली गई है ठीक है तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं ये केस आपके लिए है है ठीक है? आगे बढ़ेंगे अब ये केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है विथल यशवंत का एक केस एक बार आप लोग देखे देख लेना अगर, अगर अपने हिसाब से देखना चाहो तो इट इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट यहां से कोई भी केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है Then, Satya आपका फॉरन जजमेंट से रिलेटेड केस है मैंने आप लोगों को उसमें बताया है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि कौन से दो सेक्शन है सो द रूल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ऑफ ईच स्टेट वेरी ऑन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सेंस वेरी कर सकते हैं बट बाय दी ऑफ नेशन सर्टन रूल्सनाइज एज कॉम्बर्ड टू सिविलाइजन ठीक है, कॉमन होते हैं कुछ रूल सच रिक्शनिशन हम कर रहे हैं वो किसके पर होता है? जस्टिस पे होता है इक्विटी पे होता है गुड कंसाइंस होता है इट इज अ वेलब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दैट इफ अ फॉरन जजमेंट इज नॉट ऑपरेट एज रेस्टोरी पता है मेन बात यहां से शुरू हुई है एक वेल स्टेब्लिश प्रिंसिपल है ये सिद्धांत है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कोई भी अगर ऐसा फॉरेन जजमेंट है जिसको फ्रॉड से ओप्टेन किया गया है तो वो ऑपरेट नहीं करेगा एज रेजिडी कार्ड ठीक है फ्रॉड विशिएट्स ऑल द जुडिशियल फ्रॉड जो है विशिएट कर देता है तरीके से खत्म कर देता है जो भी जुडिशियल एक्ट अगर फ्रॉड हुआ है तो दोबारा से केस जो है इंस्टीट्यूट किया जा सकता है हम ये नहीं कहेंगे फ्रॉड हुआ है तो रेजिडी कार्ड अप्लाई हो गया नहीं जजमेंट आ गया है तो क्या हुआ फ्रॉड से आया तो ऐसा नहीं होता ठीक है अगर फ्रॉड हुआ है तो इट विल नॉट ऑपरेटेड एज है फिर उसके बाद उद्धव सिंह वर्सेज माधव राव ऑल प्राइमरी फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव द ट्रायल बाय स्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंस आर मटेरियल फैक्ट्स देन

फैक्ट अपॉन विच द प्लेटिवेंटेंस फैक्ट है और डिफेंडेंट का जो डिफेंस है वो डिपेंड करता है राजा राम वर्सेज जयप्रकाश सिंह ये भी इंपॉर्टेंट है इन केसेस ऑफ फ्रॉडन फुलस्ट बी सेट फोर्थ इन प्लीडिंग ओनली बी डिसन दर्टिकुलर एज लीड जो भी पर्टिकुलर्स वगैरह हैं प्लीडिंग्स में बताना होगा पार्टीज आर सपोज टू प्लीड प्रिसाइज नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस अनफेयर एडवांटेज बाय ओपेंट अगर द्लेंटिव कह रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है मेरे साथ फ्रॉड किया डिफेंडेंट ने या कोई इन्फ्लुएंस वगैरह हुआ है तो पार्टीज को ये बात या प्लेटिव को ये बात प्रिसाइज मैनर में अब ये नहीं कि पूरा चिट्ठा लिखने बैठे हैं ऐसा नहीं प्रिसाइज नेचर में जो है अपना प्लीडिंग में अपने प्लेन्ट में ये बात लिखनी होगी कि, कि कोई अनफेयर एडवांटेज जो है डिफेंडेंट के द्वारा मेरा लिया गया ठीक है हरीश चंद्र वर्सेस त्रिलोकी सिंह देख लेना एक बार एक केस इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा प्लीनिंग शुड बी शुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट वेरी स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टलीस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कोर्ट कॉन्स्टिट्यू ना करे तो अच्छा होगा दे हैव टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली उसको लिबरल कंस्ट्रक्शन करो उसका अच्छा हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी पढ़ेंगे ठीक है एंड रिगार्ड मस्ट बी हैड टू द सब्सटेंस ऑफ मैटर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मुझे इससे याद आ गया लिबरल कंस्ट्रक्शन से uh, क्योंकि आपका आरजीएस वाला सीरीज चल रही है इस वजह से ठीक है तो जो भी आरजीएस के माइनर लॉज हैं वो यहां पर कंप्लीट होंगे तो क्या बात कर रहे थे प्लीडिंग्स को आपको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट नहीं करना है कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया कि प्लीडिंग्स को स्ट्रिक्ट नहीं करना है उसका matter. Matter का क्या सब्सटेंस है उसको देख करके चीजें करनी पड़ेगी देन अमेंडमेंट और स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग के कुछ केसेस हैं बिमे सारे केसेस तो इंपॉर्टेंट नहीं है विजय सिंह सिंह वर्सेस का केस पावर टू स्ट्राइक आउट स्ट्राइकरी इन नेचर एंड मस्ट बी एक्सरसाइज बाय कोर्ट एंड विद एक्सट्रीम कॉशन अगर हम कह रहे हैं कि कोर्ट पर्टिकुलर प्लीडिंग्स को उखाड़ के बाहर फेंक सकता है तो उसको जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम कॉशन से वर्क करना पड़ेगा ये नहीं कि कुछ नहीं समझ में मतलब एक कंप्लीट इंक्वायरी वगैरह हो जाए कि हाँ आ, ये चीज सही नहीं है या प्लीडिंग्स को आ, मतलब कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए किया गया है तो ही जो है प्लीडिंग्स डि, डि, को स्ट्राइक आउट किया जाए थोड़ा सा एक्सट्रीम कॉशन के साथ करना बेसिकली बात ये है देन ये वाला केस आप लोग देख लेना अपने आप ये वाला एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा रीसेंट केस है एम रेवाना वर्सेज अंजनमा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइल कंसिडरिंग द अमेंडमेंट एप्लीकेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल

2008 का ये केस है द मेरिट्स ऑफ अमेंडमेंट सॉट टू बी इनकॉर्पोरेटेड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट आर नॉट टू बी जस्ट एट द स्टेज ऑफ अलाउिंग प्रेयर फॉर अमेंडमेंट नॉट सो इम्पोर्टेंट एम लक्ष्मी एंड कंपनी वर्सेज डॉक्टर आनंद आर देश पांडे वाइल कंसिडरिंग अमेंडमेंट एप्लीकेशन द कोर्ट कैन टेक नोटिस ऑफ सब्सिक्वेंट फैक्ट टू शॉर्ट इन द रिटिगेशन जब आप अमेंडमेंट एप्लीकेशन को कंसिडर कर रहा है कोर्ट तो नोटिस ऑफ सब्सिक्वेंट भी ले सकता है Litigation का टाइम थोड़ा सा कम करने के लिए प्रिजर्व राइट ऑफ बोथ पार्टीज एंड सबसर्व एंड ऑफ जस्टिस ठीक है जिससे राइट्स रा, जो है वो पार्टीज की प्रिजर्व हो सके Then ये प्लेन से रिलेटेड कुछ केसेस हैं इसमें ये वाला केस इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला केस इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक ये वाला करने वाला केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटर्न कर दिया गया उस प्लेट को दूट मस्ट बी इट कैन नॉट बी सेट टू बी कॉन्टिन्यूशन कॉन्टिन्यूएशन नहीं बोलेंगे हम लोग की कॉन्टिन्यू हो रहा है ये चीज नहीं बोली जाएगी दूट मस्ट भी डीम टू प्लेन्ट इज फाइल्ड इन द प्रॉपर कोर्ट देखो यहाँ पर बेसिकली वो बात करी गई है कि पहले रॉन्ग कोर्ट में था मान लो एक जनवरी को रॉन्ग कोर्ट में हुआ और ये उसका आपका प्रॉपर कोर्ट था ठीक है आप प्रॉपर कोर्ट में यहां से रिटर्न हुआ प्रॉपर कोर्ट में पहुंचा मान लो इसको दो फरवरी हो गया प्रॉपर कोर्ट में पहुंचते पहुंचते दो फरवरी तक पता चल पाया तो ये हम दो फरवरी से मानेंगे सूट इंस्टीट्यूट हुआ है ठीक है जिस दिन प्रॉपर कोर्ट में लगा उसी दिन से सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा ये नहीं हम यहां से नहीं मानेंगे कि एक जनवरी को किया गया तभी तो कह रहा है कि कॉन्टिन्यूएशन नहीं है सूट का अगर कॉन्टिन्यूएशन होता तो हम बो, हम बोल देते हैं एक जनवरी से हुआ लेकिन कॉन्टिन्यूएशन नहीं है कह रहा है तो इस वजह से जो है जहां जिस जिस दिन प्रॉपर कोर्ट में हुआ है उस दिन से माना जाएगा ठीक है उस दिन से कमेंड माना जाएगा देन माधव प्रसाद अग्रवाल वर्सेस एक्सिस बैंक देख लेना चलो एक पढ़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्लेन कैन ईदर बी रिजेक्टेड एज अ होल और नॉट एट ऑल प्लेन्ट को या तो पूरा रिजेक्ट कर दो या फिर बिल्कुल भी कुछ भी उसमें से रिजेक्ट नहीं होगा इट इज नॉट परमिसेबल टू रिजेक्ट अ प्लेन्ट हुआ एनी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ प्लेन्ट इंक्लूडिंग अगेंस्ट समिफेंसेंटर ऐसा नहीं होने वाला कि आपने जो है कुछ जो है उसको, पर्टिकुलर पोर्शन को हटा दिया, कर दिया और, और वही पर्टिकुलर पोर्शन और सारे डिफेंडेंट्स के लिए जैसे मान लो कि पांच डिफेंडेंट्स हैं ठीक है तो इन तीन के लिए तो आपने उस पर्टिकुलर चीज को हटा दिया इन दो के लिए उसी तरीके से चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा या तो पूरा रिजेक्ट करना या तो एक्सेप्ट एज अ होल और रिजेक्ट एज अ होल ठीक है देन शौकत हुसैन मोहम्मद पटेल वर्सेज खातून बेन मोहम्मद बाई पुलेरा ये केस इंपॉर्टेंट है डीलिंग विद द एप्लीकेशन फॉर ऑफ रिजेक्शनिटी श्रवण कुमार का केस इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट द प्लेन कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर सेवन रूल इलेवन ऑफ दीपीसी वेन इट इज मैनिफेस्टलीस है मेरिटलेस है और ग्राउंडलेस है In the sense that it does not disclose a clear right to sue, भाई ये वैक्सीन से तो कोर्ट इसलिए कह रही है या मेरिटलेस इसलिए कह रही है क्योंकि वो right to sue या जो इनका cause of action ही नहीं समझ में आ पा रहा है, वो disclose ही नहीं हो पा रहा है कि क्या चीज़ है आखिर में क्यों ये यहाँ पर suit institute uh, करने के लिए आए हैं। A mere contemplation or possibility that the right may be infringed without any legitimate basis of legitimate basis of that for that right would not be sufficient to hold that the plain discloses a cause of action. तो ये चीज इतनी याद रखो बाकी और कुछ इतना याद रखने की जरूरत नहीं Then, written statement, है फिर मैंने आपसे तो कहा था ना सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन ये केस आपको कई बार देखने को मिलेगा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आउटर टाइम लिमिट ऑफ नाइनटी डेज फॉर फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी ये चीज मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कोर्ट कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट बियॉन्ड नाइनटी डेज बट इट शुड ओनली बी डन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हम कह रहे हैं कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है बियॉन्ड नाइनटी डेज लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेज में होना चाहिए एंड रूटीन ऑर्डर नॉट बी पास द कोर्ट हारमोनीसली कंस्ट्रक्टेड ऑर्डर एट रूल वन नाइन एंड टेन ठीक है तो ये नहीं कि 90 डेज का आउटर लिमिट दे दिया तो हर मामले में कोर्ट 90 डेज का आउटर लिमिट दी ही जा रही है एंड 90 डेज का टाइम और दे रही है ऐसा नहीं होगा कुछ एक्सेप्शन है जहां वाकई कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पर जरूरत है ज्यादा टाइम देने की यहाँ पर मतलब ड्यू रिलिजेंस यूज करने के बाद भी डिफेंडेंट उतना चीज़ नहीं कर पाया तो सफिशियंट कॉज अगर उस चीज को अगर सफिशियंट कॉज कोर्ट को लग रही है तभी जो है एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में ही कोर्ट ग्रांट करती है नाइन्टी डेज का टाइम ठीक है मतलब तो ज्यादा टाइम जो भी है शोरत सिंह वर्सेज चरण सिंह के केस में कहा गया पीरियड ऑफ नाइनटी डेज फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर एट रूल वन ऑफ सी पी सी इन सिविल डायरेक्टरी डायरेक्टरी का मतलब है ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि नहीं करना ही करना है ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं directory है डायरेक्टरी है कोर्ट का मन करेगा डिस्क्रिप्शन पर है करेगा तो करेगी तो नहीं करेगा नहीं करेगी रीजन लगने चाहिए करने के लिए भी तो प्रोविजन ऑफ ऑर्डर एट रूल वन सी पी सी आर मैंडेटरी इन द कमर्शियल कोर्ट अंडर द कमर्शियल कोर्ट तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि मैंडेटरी है कमर्शियल कोर्ट्स के नेचर में ठीक है देन चमन पासवान कोर्ट ये केस इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री कैन नॉट गो बिहाइंड डिग्री एंड मस्ट एग्जीक्यूट इट एज इट स्टैंड जिस कोर्ट में डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया है वो डिग्री के बिहाइंड नहीं जा सकती है। जो डिग्री आपके सामने है आप सिर्फ उस चीज को डिसाइड करेंगे ठीक पीछे क्या हुआ सही जो है जजमेंट uh, दिया गया नहीं दिया गया सही डिग्री पास हुई उससे आपको कोई मतलब नहीं जो आपके सामने जो चीज खड़ी है आपको सिर्फ उसी को देखना है इट हैज नो पावर टू एंटरटेन एनी ऑब्जेक्शन एज टू मैंने कहा ना वैलिडिटी से रिलेटेड लीगैलिटी से रिलेटेड या करेक्टनेस से रिलेटेड कोई भी पावर आपके पास नहीं है उसको एंटरटेन करने की

भाई डिग्री एक बार पास कर दी गई डिग्री अगर एक बार पास कर दी गई है तो ये इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आ, बस डिग्री पास कर दी गई बात खत्म सिविल सूट किसी भी सिविल सूट का एंड तब नहीं होता जब डिग्री पास कर दी गई है सिविल सूट का एंड तब होगा जब आपका आ, ये डिग्री एग्जीक्यूट होगी जब डिग्री एग्जीक्यूट होगी तब सिविल डिग्री का है है का अंत अंत जो जो या सिविल सूट वो ऐसे नहीं हो जाता है कि आ, आपकी वो आ गई डिग्री आ गई तो खत्म हो गया सूट वाह ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक वो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तब तक की एंड नहीं होता टिल दैट स्टेज इज रीच्ड द कोर्ट विच पास द डिग्री डज नॉट बिकम फंक फंक्शन ऑफिशियो का मतलब ये ये नहीं है कि हम तब तक उस कोर्ट को ये नहीं कहेंगे कि उसने अपने सारी चीजें जो जो हैं भी वगैरह थे वो परफॉर्म कर लिए ठीक है फंक्शन ऑफिशियो का मतलब ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेजीटेंट है द प्रोविजन टू सेक्शन in the नेचर ऑफ एक्सेप्शन टू द जनरल रूल लेड डाउन इन द मेन प्रोविजन ठीक है आगे बढ़ते हैं ये केस अपने आप जो भी केसेस हैं वो देख लेना थोड़े बहुत जो मैंने छोड़े हुए हैं या बहुत उससे नहीं पढ़ा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो वहां से आप इसको अलग कर सकते हो ठीक है देन टेम्पररी इंजंक्शन केस है इसमें ये केस इंपॉर्टेंट है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज सेठ हीरा लाल एक मार्टिन बर्न वाला भी देख लेते हैं क्या केस है ये मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेज आर एन बैनर्जी Supreme Court held that prima facie case does not mean a case proved to hilt but a case which can be said to be established if the evidence which is led in support of the same were believed theek hai. Manohar Lal versus Manohar Chopra versus State of Supreme Court held that even if the case is not covered under the grounds mentioned in order 39 interim injunction can be granted by the court in the exercise of inherent powers कार्तिक दास सुप्रीम कोर्ट लेडाउन द फॉलोइंग फैक्टर्स विच मस्ट गाइड द कोर्ट बिफोर ग्रांटिंग एक्सपार्टे इंजंक्शन इंटरम इंजंक्शन अगर वो एक्सपार्टे इंटरनेम इंजंक्शन ग्रांट कर रही है तो कुछ फैक्टर्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने लेडाउन की है

इवन इफ एक्सपार्टे इंजंक्शन इज ग्रांटेड इट वुड बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड और अगर एक्सपार्टे इंजंक्शन को ग्रांट किया भी जा रहा है तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए तभी तो हमसे टेम्पर इंजंक्शन के साथ पढ़ रहे हैं मेहता वाला केस इम्पॉर्टेंट है वर्सेज सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग टू द सबस्टैशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ द क्वेश्चन इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस और इट्स डायरेक्टली एंड सब्सटियलीफेक्ट द राइट्स ऑफ पार्टी Of law, क्या है? ये बताया पर, अगर जनरल है या फिर इट इज एन ओपन क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन होता है इट इज नॉट फाइनली सेटल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट मतलब उसको कभी सेटल डाउन नहीं किया गया ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया ना प्रिवी काउंसिल में किया गया ना फेडरल कोर्ट में किया गया स इंपॉर्टेंट है अनिरुद्ध सिंह दोनों पार्टी एग्जीक्यूशन डिनाई कर रहे हैं तब क्या होगा right राइट right हो है चैलेंज यहाँ पर राइट दिया हुआ है सेक्शन नाइंटी सिक्स सबसे सेक्शन 96 3, इन अपील्स को बार नहीं करता है देखो सेक्शन 96 सब सेक्शन थ्री में बताया गया कि कॉम्प्रोमाइज डिग्री अगर आपकी है आप तो अपील नहीं कर सकते लेकिन व्हाट इफ आप अपील नहीं कर सकते जनरल रूल है ना अपील नहीं कर सकते लेकिन इन्होंने क्या कहा कि वो पार्टी ही डिनाई कर रही है अगर एग्जीक्यूशन के लिए तब क्या भाई तुम लोगों ने आपस में मिली भगत करके कॉम्प्रोमाइज डिग्री ले डिग्री ले तो ली ले, लेकिन अब एग्जीक्यूट ही नहीं करने दोगे तो कैसे चलेगा तो यहाँ पर राइट दिया गया है तब आएगा पिक्चर में जब ये डिस्प्यूटेड नहीं अब तुमने यहां पर डिस्प्यूट अराइज कर दिया क्यों क्योंकि तुम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो जो हमारा जजमेंट एटर है वो एग्जीक्यूशन नहीं करने दे रहा है, मतलब जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया है वो अगर एग्जीक्यूशन नहीं करने देगा तो फिर कैसे चलेगा तो, तो फिर करनी पड़ेगी ना अपील हम कहां जाएंगे नहीं करेंगे अपील तो सिविल सूट फाइल्ड बाय स्ट्रेंजर टू द कॉम्प्रोमाइज चैलेंजिंग द लीगैलिमाइज इज नॉट मेंटेनेबल तो ये चीज एक बार थोड़ी सी याद रखना बाकी इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने क्या होगा देन टेक्सिंग वर्सेज Shashi Varmai case is important if the Supreme Court uh, reiterated the, that revision petitions filed under section 115 are not, are not maintainable against interlocutory order. Then Pandurang Ramchandra Mandli versus Maruthiri Ramchand Ghatke. An erroneous decision on a question of law reached by the subordinate court, which has no relation to the question of jurisdiction of that court, cannot be corrected by the High Court.

उसको इंटरफेयर कोर्ट तभी कर सकती है रिविजन के लिए इंटरफेयर कर सकती है रिविजन के में जब उसने एक ऐसा जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर लिया जो निहित नहीं है उसके अंदर कानून विधि के द्वारा ठीक है उस, उसमें निहित नहीं है या फिर जो निहित था उसको एक्सरसाइज करने में फेल कर दिया तभी रिविजन हो सकता है और एज एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इनलीगली या फिर जुरिस्डिक्शन

exercising revisional jurisdiction it is not open to high court to correct errors of fact or law unless they go to the issue of jurisdiction revisional jurisdiction is restricted to the cases of illegal revisional jurisdiction को restrict कर दिया है मतलब basically अगर a regular या illegal exercise हुआ है jurisdiction का तभी ज़्यादातर जो है revision किया जाता है high court के द्वारा then ये case आपका important है 2020 का case भूपेंद्र सिंह वसुस जोगिंदर सिंह

सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए परमिशन ले, मतलब लेनी है नॉर्मली नोटिस शुड बी इशूड टू द अदर साइड बिफोर पासिंग ऑर्डर दूसरी साइड को जो है नोटिस देना पड़ेगा ऑर्डर पा, को पास करने से पहले इन एन इमरजेंस सिचुएशन कोर्ट कैन ग्रांट लीव इवन विदाउट इशू नोटिस अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है सेक्शन एटी में नहीं होता जब हम आ, उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो दो महीने का जो टाइम वगैरह देना होता है तो अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो कोर्ट वैसे ही कर देगी ठीक है करने देंगे तो यहां पर भी वही सेम चीज है अगर इमरजेंसी uh, सिचुएशन है इमरजेंसी लग रही है तो कोर्ट जो है विदाउट इशूइंग नोटिस भी लीव ग्रांट कर सकती है परमिशन दे सकती है सूट इंस्टीट्यूट करने की ठीक है तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें सीपीसी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केसेस हम लोगों ने कवर किए हैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट वगैरह है तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच